ऐसा तो नहीं है कि वो गुस्सा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने ये ना किया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चला गया हो? गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ऐसा तो नहीं है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाज इट सो दैट। चलिए इसका रूल जानते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा वाज इट सो दैट, इसके बाद कॉम्प्लीट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने ये ना किया हो? वाज इट सो दैट ही डिडंट डू इट? वाज इट सो दैट ही डिडंट डू इट? ऐसा तो नहीं है कि आपने अपना मोबाइल कहीं रख दिया हो? वाज इट सो दैट यू केप्ट योर मोबाइल समवेयर? वाज इट सो दैट यू केप्ट योर मोबाइल समवेयर? ऐसा तो नहीं है कि वो यह खा लिया हो? वाज इट सो दैट ही एट दिस? वाज इट सो दैट ही एट दिस? ऐसा तो नहीं है कि वो उसके साथ गई हो? वाज इट सो दैट सी वेंट विथ हिम? वाज इट सो दैट सी वेंट विथ हिम? ऐसा तो नहीं है कि वो गुस्सा हो गया हो? वाज इट सो दैट ही गट एंग्री? वाज इट सो दैट ही गट एंग्री? ऐसा तो नहीं है कि वे यहाँ ना आए हैं? वाज इट सो दैट द डिडंट कम हियर? वाज इट सो दैट द डिडंट कम हियर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चला गया हो? वाज इट सो दैट ही वेंट? वाज इट सो दैट ही वेंट? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ ना पहुँचे हो? वाज इट सो दैट ही हैज नॉट रीच्ड देयर? वाज इट सो दैट ही हैज नॉट रीच्ड देयर?